सभी को नमस्कार। अभी पिछले पार्सल में मैंने ध्रुव की दो डाइजेस्ट अनबॉक्स करी थी, जो ओरिजिनल है और इंग्लिश में है, राज कॉमिक्स की। और इसके अलावा जो है काफ़ी सारे मैंने ध्रुव के ऊपर डिस्कशन भी किया था, पहले भी कर चुका हूँ। तो उसी कंटिन्यूशन में एक और पार्सल मुझे मिला है, ये दिनेश आर्या जी की तरफ से मुझे मिला है। और दिनेश आर्या जी जो है वो सौरव कोटो के जो सौरव भाई हैं, जिनसे मैंने काफ़ी सारी मार्वल डीसी कॉमिक्स ली है, स्पाइडरमैन उस टाइप की जो कॉमिक्स आती है, वुल्वरीन, जस्टिस लीग ऑफ अमेरिका। तो इन्होंने तरीका क्या है कि इन्होंने न्यूज़पेपर से पार्सल बनाया है और न्यूज़पेपर के ऊपर बहुत सारी इन्होंने ब्राउन टेप लगाई है। इस तरीके से इन्होंने कुछ पार्सल वगैरह बनाया है, देखते हैं कैसी पैकिंग की है, क्या है इसके अंदर। तो करते हैं इसको अनबॉक्स। चलिए, ये थोड़ा सा इजी वे में हो गया है, ठीक है, न्यूज़पेपर है तो चिंता नहीं है इसकी, एक बार ओपन हो जाएगा तो हो ही जाएगा अच्छे से ओपन। ओ अंदर ये अच्छा किया इन्होंने, क्या करें, जानबूझ करके जो कॉर्नर वाला पार्ट होता है ना, वहाँ पर न्यूज़पेपर इकट्ठा कर दिया बहुत सारा। ये अंदर जो वाइट वाइट वो जो इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज भी आते हैं, टीवी वगैरह, वो वाला इन्होंने पैकेट यूज़ करा है, तो इट्स ए गुड थिंग, इससे बुक्स डैमेज नहीं होती हैं। तो इसको साइड में रख करके पहले इस बाहर की कवरिंग को हटा दिया जाए, जो कि धूल मिट्टी से भरी हुई है, अभी बरसात का टाइम था, नमी भी होगी इसमें, इंडिया पोस्ट से आया है तो ऐसा होना लाजमी है। इसको तो फाड़ भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हो जाएगा। ये अच्छा किया इन्होंने कि न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करा, पर अंदर वो ज़रूरी है, क्योंकि एकदम से कल परसों मैंने अनबॉक्सिंग दी थी आपको, एक बारिश सी आ गई थी, सैटरडे को बारिश आ गई थी, थोड़ी टाइम के लिए आई थी, पर हमारी कॉमिक्स को डैमेज करने के लिए वो इतनी सी बारिश भी काफ़ी है। तो दिनेश आर्या जी से बात हुई थी, ऐसे ही मंगा लिया कुछ, और जो है सौरभ भाई को जो मैंने प्रावी तारा की मैंने डील करी थी, उनको दी थी मैंने प्रावी तारा कुछ एक्सचेंज में, तो मुझे अभी भी याद है उनका फेसबुक पोस्ट आया था सौरभ भाई का, कि मेरे पास में जो है प्रावी तारा आ गई है, जो मैंने भिजवाई थी उनको। और उसके बाद में जो है अब मैं इन पेपर बैग्स का क्या करूँ, तो मुझे याद है दिनेश भाई ने बोला था कि मुझे दे दो, और उसी वक्त कमेंट्स में उनका पैकिंग का वीडियो वगैरह कुछ आ गया था, तो मैं पहचान गया था उनको। मैं कह रहा आप वही दिनेश हो क्या जो उस दिन कमेंट्स वगैरह में थे, बोला हाँ सर वही हूँ। तो सौरभ भाई के साथ उनके मित्र से भी हो गई डील, देख लेते क्या है इसमें, कुछ पेपर बैग्स हैं ऐसे मंगवा लिए, इसलिए मैं डील देखना ही पसंद नहीं करता, देखने से क्या होता है मैं मंगवा ही लेता हूँ, लगभग ये सो ही जाती है डील कोई सी भी हो, सेफ वे में भी कट गया। अच्छा किया पैक, अच्छा किया उन्होंने, अच्छी पैकिंग की है, इसमें डाउट नहीं है। तो पहले सबसे बाहर तो वो न्यूज़पेपर था, पर उस पर पूरा टेप से कवर था, तो आप उसको लेमिनेटेड बोल सकते हैं। उसके बाद में ये कवरिंग जो आती काफ़ी, जो हेलो बुक माइन का जब पतन हुआ था, मतलब पतन तो नहीं बोलूँगा, पर जब उन पर राज कॉमिक्स आना बंद हो गई थी, वो एक जो समय था तब अंतिम समय में ऐसे पार्सल आया करते थे, पहले हेलो बुक माइन वगैरह पे बबल रैप्स काफ़ी आया करती थी, ठीक है। तो ये भी अच्छा है, अच्छा है, थोड़ा सा साइज़ बढ़ जाता है पार्सल का, पर ये अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाता है। इसके बाद ये न्यूज़पेपर है जो पहले से फट चुका है। ओहो, ये क्या किया उन्होंने, गजब है। आज पब्लिशर्स को बड़ी दिक्कत आती है, जो जो पहले से ही अनाउंस नोवल्टीज वगैरह होती है, वो देने में बड़ी समस्या आती है पब्लिशर्स वगैरह को। पर मैंने देखा सेलर्स वगैरह हैं, ये जो हमारे जैसे ये मित्र हैं, ये कोई सेलर नहीं थे, ये तो ऐसे फ़ैन है, मतलब पढ़ ली होगी, इनको नहीं पसंद आई होगी, या जो नहीं करना होगा और दे दी ख़त्म बात, वो भी दे देते हैं, मतलब देखो कोई एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं थी। और इन्होंने और बड़ी अच्छी नॉवल्टी इन्होंने ऐड करी, मुझे ये तो शायद फेंग वगैरह कुछ थी उसके आई थी, अच्छी है ये नागराज का, अच्छा नॉवल्टी है, बहुत सुंदर पोस्टर, काफ़ी बड़ा पोस्टर था उसके। और ये संग्राम मुझे याद है, संग्राम कॉमिक्स का एक स्टाम्प स्टिकर होगा, वेरी गुड। तो ये है भाई साहब सुपर कमांडो ग्रुप की 25 जो पेपर बैग्स है, उनमें से लास्ट की 6 से लेकर के 25 तक वाली, क्योंकि मेरे पास में ये देखो ये रखी हुई है राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी की, तो मगर इसको इसमें ऐड कर लूँगा, ठीक है ना, 25 द्वारा 2 रखी हुई इसके अंदर, तो अगर इसको इसमें ऐड कर लूँगा तो ये पूरी 25 हो जाएंगी, ठीक है। तो अब किस सिक्वेंस में कैसे लगाऊँ इनको, ये आज़ादी की ज्वाला है, इसको साइड में रख देते हैं, कोई काम की नहीं है। ये हमारे पास में तो ये देखिए मनोज गुप्ता जी के हमारे पास में पूरे के पूरे 25 कॉमिक्स के रेगुलर साइज में डाइजेस्ट रखे हुए हैं। और इसके अलावा मैं अपने पहले ही वाले वीडियो में बता चुका हूँ, ये संजय गुप्ता जी के प्रीमियम वाले जो डाइजेस्ट हैं रेगुलर साइज़ में, इन्हीं 25 कॉमिक्स से 5+5 करके 5 डाइजेस्ट रखे हुए हैं, हालाँकि वो ठीक है। और ये इन्हीं कॉमिक्स के
संजय गुप्ता जी की बिग साइज राइस हिंदी में और एक इंग्लिश में, ठीक है ना, बिग साइज वाले राइस नए आठ थे तो वही पाँच कॉमिक्स शुरुआत की। और इसके अलावा हमारे पास में संजय गुप्ता जी की ये कॉमिक्स रखी हुई यहाँ पर, जिनमें से मैंने शुरुआत की पाँच कॉमिक्स आपको कंपेयर करके भी दिखाई थी, ये जो प्रतिशोध ज्वाला वगैरह रखी हुई शुरुआत की पाँच, तो उनको सारे में देते हैं। आज जो मुझे मिलने वाली वो ये है, तो मुझे ना एक्चुअली पेपर बैक साइड टू साइड कंपेयर करना था मनोज जी का और संजय जी का, तो इसी बहाने इसको मैंने थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएंगे अपन, करेंगे इसमें से कंपेयर। तो आई होप, मुझे लगता है कि शायद संजय जी वाली थोड़ी सी अरेंज हो सकती हैं। तो बर्फ़ की चिता निकालते हैं इसमें से, बर्फ़ की चिता आ गई, समुद्र का शैतान आती है वैसे 6 नंबर पे, बात तो सही है, बर्फ़ की चिता नहीं आती है, कोई बात नहीं। तो ये सारी मनोज जी वाली हैं, समुद्र का शैतान आती है मुझे पता ही है ना, तो पाँच तो ये हैं मनोज जी वाली, दिखा देता हूँ। प्रतिशोध की ज्वाला, रोमन हत्यारा, आदमखोरों का स्वर्ग, स्वर्ग की तबाही और मौत कॉलम पे, ये तो है मेरे पास में। अब इसमें इनको ऐड करते आते हैं ऐसे, तो ये पूरा 25 का ढेर लग जाएगा। तो उसके बाद आती है समुद्र का शैतान, बढ़िया ग्लोस में, ग्लोस में कहाँ से ला रहे हैं लोग ये, मुझे बात अब थोड़ी सी मेरे माइंड में आ रही है, मैं बताता हूँ आपको क्या हो क्या रहा है दुनिया में। हुआ क्या है कि जो मनोज गुप्ता जी की रिप्रिंट्स है ना, यदि वो आउट ऑफ स्टॉक होते हैं तो वो रियल में आउट ऑफ स्टॉक होते हैं। मैंने ये कई चीज़ें चेक कर लिया, चाहे वो कोहराम वाला रिप्रिंट हो, चाहे निगेटिव्स का रिप्रिंट हो, या कोई भी ऊपर लेवल वगैरह, मैंने देखा कि प्राविता वगैरह कुछ भी वो रीस्टॉक करते हैं तो ग्लोसी में हो रहा है, पहले वाले मैट फिनिश में आते थे। तो ये कब ली इन्होंने, ये कहाँ से लिया, ये तो ग्लोसी वाली हैं। अच्छा, और इन पर 80 लिखा हुआ यार, भाई साहब ये अलग ही मामला चल रहा है दुनिया में, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, क्लियर कर देता हूँ। ये है ना जो 80-80 वाली हैं ये कॉमिक्स, शायद ख़त्म हो गई होंगी आई थिंक, और ये ग्लोसी में हैं, ये असली रिस्टॉक इसको बोलते हैं। मतलब मनोज गुप्ता जी का सारा मैट फिनिश में मिलता था, चाहे आप पेपर बैग्स ले लो, चाहे आप ध्रुवोदय यहाँ रखा वो ले लो, चाहे ओमनी कुछ भी ले लो, लेकिन अब भी है ना लेटेस्ट उन्होंने ये जो निकाला था ये वाला ये वाला देखो, ये मुझे पहली बार ग्लोस में मिला था, और मैंने इसको अपने वीडियो मेंशन भी किया था कि मैं कह रहा जो मनोज जी वाला डाइजेस्ट ना बड़े प्यारे हैं ये सुपर ग्लोस में, तो ये शायद वो हैं कॉमिक्स, ये 280 की हैं ये। अच्छा, जब भी ना अलग ही फ्रेश फीलिंग आ रही इनको देख के, भाई साहब जो होता है यार, तो 80 इन पर प्रिंटेड है, इससे भी आप पता लगा सकते हैं। तो समुद्र का शैतान और बर्फ़ की चिता, तो बर्फ़ की चिता 80 वाली, इससे पहले तो 70 वाली थी विदाउट ग्लोस वाली, और ये हमारे पास 100 रुपये वाली हमारे संजय गुप्ता जी की। दोनों में कोई डिफरेंस नज़र नहीं है, बस यहाँ पे बच्चों का नामी कूपन रखा हुआ है, यहाँ पे बच्चों का नामी कूपन हटा दिया गया संजय जी के द्वारा, और अंदर से संजय जी का थोड़ा लाइट बिल्कुल अलग है, देखो बिल्कुल ही आपको अलग लगेगा ये जो बने हुए ना जिंगालू कलर वगैरह बिल्कुल डिफरेंट लगेगा। और इनका पेज संजय जी वाली काफ़ी लाइट लग रही है, जैसे कॉबी और भेड़िया वगैरह में देखने को मिला था, अलग एक्सपीरियंस होता संजय जी को देख के। और मनोज जी वाली तो जैसे नॉर्मल कलर वगैरह थे ग्लोस में, अच्छा है, चलो ठीक है, गुड। तो समुद्र का शैतान का बर्फ़ी चिता 80-80 रुपये वाली, फिर है शायद रूहों का शिकंजा, सही चल रहा है यहाँ पे भी, तो यहाँ पर भी मैं इनको संजय जी वाले के पीछे लगा देता हूँ ऐसे ना, रूहों का शिकंजा। ये कितने वाली है यार, ये 70 वाली है। अच्छा, तो इसमें फिर मैट फिनिशिंग पेपर होंगे, नहीं यार ये भी ग्लोस है, ठीक है, आजकल काफ़ी नए एक्सपेंसिव हो रहे हैं। तो रूहों का शिकंजा ये है मनोज जी वाली, संजय जी वाली है, संजय जी वाली 100 रुपये की है, मनोज जी वाली 70 रुपये वाली है, और जब ये आई थी प्री ऑर्डर वगैरह तो अच्छी नॉवल्टीज वगैरह साथ में आई थी, कलर वगैरह रूहों का शिकंजा में। एक चीज़ लग रही है बस ये कि संजय जी वाली अंदर से यहाँ से भी थोड़ी सी बढ़िया बैक और अच्छा है, अंदर से इनका फ्रे थोड़ा रफ है, ठीक है। लहू के प्यासे, ये एक ऐसा कॉमिक्स था, ये कवर इसका पहले रेयर हो गया था, मतलब इसका एक अनुपम सिन्हा जी का वेरिएंट मिलता था, अब उल्टा हो गया क्योंकि अब ये रिप्रिंट कर दिया है मनोज जी ने, ये 70 वाली है, तो अब ये हाँ थोड़ा ये इतना ग्लोस नहीं है, ये मैट फिनिश वाला है इनका, तो खैर संजय जी वाला है तो अलग होगा, थिक पेपर है, सरू नायक का जो रिप्रिंट आए थे, कॉबी और भिड़े के जो रिप्रिंट आए थे उस हिसाब से अंदर का खैर कवर क्वालिटी संजय जी वाली की थोड़ी सी बेटर निकल जाती है अंदर से, इस तरफ से आपको पता है कि मनोज जी वाले रफ में आते हैं। महामानव, यानी कि ये चीज़ें ख़त्म हुई हैं और फिर से रिप्रिंट हुई हैं, ये इस चीज़ को प्रूव करता है ना, मनोज जी वाली शुरुआत की में कवर अच्छे थे अंदर से, हाँ ग्लोस थे भाई, यानी कि मनोज जी की रिप्रिंटिंग लगातार जारी रहती है, और जो संजय जी वाली शायद वो एक बार बना करके निकाल देते हैं। महामानव संजय जी वाली, मनोज जी वाली, संजय जी वाली 100 रुपये की, मनोज जी वाली 70 रुपये की, संजय जी विदाउट नोवल्टीज थी, और ये प्री ऑर्डर में हमको नोवल्टीज मिल जाती थी, सेलर्स वगैरह से लो तो आपको बाद में भी दे देते हैं अगर आप रिक्वेस्ट करें तो उनसे।
ये फुल ग्लॉस में 70 में भी फुल ग्लॉस में ना अलग ही लोट लग रहा है मुझे, ये लोट नहीं था मेरे पास में। खैर मनोज जी वाले बिल्कुल निराश नहीं करती है कॉमिक्स, और दोनों ही अच्छी हैं। मनोज जी वाली बेहतर आपको नॉवल्टीज वगैरह ना बहुत अच्छी अच्छी डील्स वगैरह मिल जाती है। वुडू ये है ना पागल का तेरे टोली, और ये लास्ट में दी है शायद, मैंने कुछ गलत अरेंजमेंट कर रखा है इनका। सही है वैसा, पहले वुडू ही आनी चाहिए हिसाब से। तो ये देखो समुद्र शैतान भी अब मिली है संजय जी वाली, यानी अरेंज ठीक से नहीं करी मैंने। ठीक है वुडू को कंपेयर कर लेते हैं संजय जी वाली मनोज जी वाली। तो मेरे पास ना सुपर गौण ध्रुव का सारा ही हो गया, मतलब पेपर बैक देख लो, संग्रह संस्करण देख लो, डाइजेस्ट देख लो, सभी रिलीज कॉमिक्स हैं मेरे पास में। ये 70 वाली है, ग्लोस मिल रही है यार, कहाँ से क्या कर रहे हैं। और ये आर्य सर भी मैं पूछूंगा कि सेलर वेलर हैं क्या चक्कर है इनका भी। इसकी थोड़ी सी लेमिनेशन अंदर से वो रफ, मतलब सिंपल पेज है, मतलब ग्लोस नहीं है कवर में नोट। ठीक है तो वो डूब भी रख दिया हमने, समुद्र का शैतान पहले आती है, सुरक्षित देते हैं तो सीक्वेंस अच्छी बन जाएगी। एक समुद्र का शैतान बर्फी जिता से पहले आती है फिर मुझे मौत चाहिए, इसकी सीक्वेंस मुझे फिर भी बेटर लग रही है, इन्होंने सही सीक्वेंस लगाई, मैंने गलत कर रखी सारी, वो ऊट पटांग करके सारी। कहाँ गई मुझे मौत चाहिए, ये रही मुझे मौत चाहिए। इसमें कवर संजय जी वाला बहुत लाइट है, मनोज जी वाला ठीक लग रहा है, मनोज जी वाला बेटर लग रहा है कवर। 100 रुपये की है प्राइसिंग भाई साहब संजय गुप्ता जी वाली, अंदर थोड़ा थोड़ा लाइट लाइट सा है। मुझे मौत चाहिए, अरे अच्छा कवर सेम है, सेम सोच सोची कवर सेम, मेरे का कवर चेंज तो नहीं हुई। ठीक है ग्लोस में है यार, 70 रुपये वाली है ग्लोस में है तो भैया नया लौटी है, पहले से मैट फिनिश में थी। बहरी मौत मनोज गुप्ता जी वाली, बहरी मौत संजय गुप्ता जी वाली, संजय जी वाली का कवर काफ़ी लाइट है। देखो शेर भी आपको कलर में दिखे, डेफ से दिखेगा, पीछे भी अगर आप कलर देखेंगे तो मनोज जी वाली। अब यहाँ थोड़ी ये दिख रही, ये थोड़ी ब्राइट दिख रही है संजय जी वाली, 70 रुपये की 100 रुपये की। ठीक है अंदर से कैसी है, लाइट लाइट सी लगेगी आपको संजय जी वाली, मनोज जी वाली वैसा पूरी ग्लोस में मिली है, अच्छी है, चलो बढ़िया 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 भाई। उड़न दस्तरी के बंधक मनोज गुप्ता जी वाली फुल ग्लोस में है भाई साहब, ये नया लोट है जो भी है उड़न दस्तरी के बंधक। संजय जी वाली का बस यही एक बेनिफिट है कि जो कवर का इनसाइड होता है ये भी आपको अच्छी क्वालिटी का मिलता है। मनोज जी वाली में कवर इसमें थोड़ा ठीक नहीं है, थोड़ा अंदर से वैसे रफ टाइप वाले हैं, अच्छे हैं। खैर मनोज गुप्ता जी ने ज़्यादा रिप्रिंट निकाले ध्रुव के, मतलब अच्छी क्वालिटी में निकाले, और नए में वाइटनेस भी ज़्यादा दिख रही है। एक दिन की मौत, तो मैं इस सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूँ जो मिल रही है, एक दिन की मौत निकली संजय जी वाली, थोड़ी ज़्यादा लाइट लग रही है, एक जैसी ही है लगभग, कोई सी भी से काम चल सकता है। मनोज जी वाली में थोड़ा ये होता है कि आपको बेटर डील डिस्काउंट्स वगैरह मिल जाते हैं, इजीली मिल जाती हैं, हर जगह मिल जाती हैं, फुल ग्लोस में है। पागल कातिलों की टोली, पागल कातिलों की टोली कहाँ गई ये रही, ये है मनोज गुप्ता जी वाली, ये है संजय गुप्ता जी वाली पागल कातिलों की टोली। ये मैंने पूरा बॉक्स मंगाया था, विद इन बॉक्स जो आई थी, क्वालिटी तो भाई दोनों की ही अच्छी है, संजय जी वाली भी अच्छी है, मनोज जी वाली भी अच्छी है, कम नहीं, मनोज जी वाली कहीं से भी कम नहीं है। यहाँ थोड़ा है ना कवर अंदर से सुंदर लगता है संजय जी वाला, मनोज जी वाला में कवर देखिए, कवर में फर्क पड़ जाता है ना रफनेस का या ग्लोसीनेस का, देखिए आपको यहाँ से मैं भी, अब वीडियो में भी डिफरेंस कर पाएँ तो ठीक है, कवर बेटर है इसके। तो फिर आए नागदंत का एड भी सुपर ग्लोस में भाई साहब, ये कॉमिक्स। इसके बाद है विनाश के वृक्ष, देख लेते हैं विनाश के वृक्ष, तो इसमें मुझे दिख नहीं रहा, दिख रहा है हाँ ये देखो, ये ज़्यादा ही लाइट था, मैंने उसी समय आइडेंटिफाई कर लिया था, देख ली कॉपी और वीडियो में मिला था देखने को। ये बात देखो मनोज जी वाली बेटर लग रही है इसमें, और इसमें स्टिकर वाला लोगो भी लगा रखा है, इसको मैं सकते आपको स्टिकर मिलता है। ये शायद पहले वाला लोट है क्या, इसमें इतना ज़्यादा सुपर ग्लोस नहीं, बट हाँ मतलब सफिशेंट है, जैसा चाहिए वैसा है इसमें। विनाश के वृक्ष है वैसा और अच्छी है, लेकिन उन्होंने इज़ नॉट ए सेलर ज़्यादा, मैं जानता हूँ, और अच्छी कंडीशन भेजी, मतलब उम्मीद नहीं थी अच्छी भेजी, कवर इसका अच्छा है। चैम्पियन किलर और आखिरी दाव, इनकी सीक्वेंस मेरे वाले से बेटर लग रही है, मेरी सीक्वेंस ठीक नहीं है। चैम्पियन किलर और आखिरी दाव, चैम्पियन किलर अगेन संजय जी वाला थोड़ा लाइट लग रहा है, मैंने पेपर पे ना इस तरह से कंपेयर नहीं की थी, मैंने कंपेयर पे कर रखा था पर संग्रह संस्करण वगैरह ये बैक टू बैक ऐसे। अच्छा वाह वाह, यहाँ पर मनोज जी बाजी मार जाते हैं, यहाँ पर इनका अंदर का कवर भी अच्छा है, तो ठीक है, मतलब अभी यहाँ पर कोई कमी नहीं, दोनों में दोनों ही बेहतरीन कॉमिक्स हैं। यहाँ पर अंदर का एड चेंज तो नहीं है, चेंज अंदर का एड यार, ये एक अच्छा चैम्पियन किलर, एक कौन सी थी जिसमें चुम्बा वाली डिटेल आ गई थी, ये इन्होंने इम्प्रूव कर दी क्या मनोज जी ने, अच्छा यार
आखिरी दाव भी इम्प्रूव कर दिया, कुछ था आगे चक्कर। अब कौन सी थी ये आखिरी दाव चैंपियन निकला था, इसे चुम्बा वाली डिटेल आ गई थी, तो ये इन्होंने कुछ नया जुगाड़ किया है, क्योंकि संजय जी में तो करनी है। और ये क्या है भाई साहब, संजय गुप्ता जी वाली और मनोज गुप्ता जी वाली एक दूसरे की मिरर इमेज है, कवर सेम नहीं है, ये क्या चक्कर है। सुपरकॉन तो विदुर लिखा हुआ है इसमें, अब इनमें से ओरिजिनल कौन सी पता नहीं आ रही, तो क्या इन्होंने करा गड़बड़। पीछे का एड संजय वाला थोड़ा लाइट है, मनोज वाला ऐसा है, और इन्होंने इम्प्रूवमेंट कर दिया क्या सच में, वो मुझे को बताना यार। आई थिंक इसमें ना चुम्बा वाली डिटेल आ गई थी, वो चेंज कर दी। खैर मुझे तो मनोज वाला कवर ज़्यादा बेटर लग रहा है, पर इसमें ना ये मिरर इमेज कैसे बना भाई, चैंपियन क्लियर में भी तो ऐसा नहीं हुआ था ना, पहली बार ऐसे लगा देखो। ये भी एक चेंज मिला है, बड़े पता नहीं क्या क्या चेंज करते रहते हैं ये बैठे बैठे। वीडियो विलेन हमारे संजय जी वाली, और वीडियो विलेन मनोज जी वाली, मनोज जी वाला इन थोड़ी सी डार्क है, इनकी थोड़ी लाइट है। पीछे देखेंगे 100 रुपये 70 रुपये, और रफ कवर है अंदर सुपर ग्लोस में है, ये कैसा है इनका तो अच्छा कवर है। सर डिटेल का चक्कर शायद उसी में हुआ था, अब नहीं है। और उनका 60 रुपये प्रिंट आई थी, इनमें 70 प्रिंट आया था, ऐसा कुछ हुआ था। एक सेट पूरा आया था, उसके अंदर ऐसा हुआ था कि जो इसमें गलत मिस्टेकन जो सेट ऑफ डिटेल्स थी, तो उस कॉमिक्स में ना 60 रुपये प्रिंट था, तो ऐसे भी पता लग सकता है अगर इनमें 70 70 प्रिंट है ना, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ से, क्योंकि वो लोट खत्म होते हुए उन्होंने शायद वो करेक्शन कर दिया होगा। यानी धीरे धीरे ना मनोज गुप्ता जी अपना करते रहते हैं, मतलब ये है नहीं कि पुराने लोट पर शायद ये डिपेंड नहीं रहते हैं। किसी में भी 60 रुपये प्रिंट नहीं, क्योंकि मुझे याद है, बल्कि दो में आपको 80 प्रिंट मिल रहा है, मतलब ये और भी नई छापी होंगी, 60 मेरी पहले वाली है, ये बड़ी वाली है। अच्छा लोट भेजा इन्होंने, मुझे अच्छा लगा इसको देख करके। अब भाई साहब ये एक 5 कॉमिक्स, अब इसमें समस्या क्या है कि मेरे पास सिर्फ ये मनोज गुप्ता जी मिलेंगे। संजय गुप्ता जी का क्या, मैंने पूरा एक 10 बॉक्स के साथ मंगाया था, और उसमें थोड़ा सा एक डिटेलिंग में गड़बड़ थी यार, उसमें यूँ था कि आपको जो है डिटेल कुछ और दे रखी थी उन्होंने, कि जो है आपको 10 बॉक्स में 20 ही कॉमिक्स थी, मुझे लगा वो 25 कॉमिक्स होंगे, क्योंकि 4-4 के 5 सेट दिखा रखे थे, मैंने आपको उसमें बताया था। तो ये 5 कॉमिक्स हैं, ये लास्ट की 5 कॉमिक्स हैं, रोबो का प्रतिशोध वगैरह, इनके अंदर ना वो रफ वाला कवर है, शायद उस वक्त फिर से रिप्रिंट करी गई होंगी जब ये भेड़िया वगैरह आ रहा था। 70 70 रुपये प्रिंट प्राइस है, कवर में भी थोड़ा सा अंदर से रफ वाला है, लेकिन बाकी तो फुल ग्लोस में है भाई साहब। उड़ती मौत हो गई, चंद्रकाल की वापसी हो गई, अच्छी कॉमिक्स है। तो खैर ये पूरा एक मनोज गुप्ता जी की तरफ से एक ये अच्छा है कवर, अंदर से ख़राब होने वाला नहीं है, ये वो पहले वाला रिप्रिंट होगा क्या, जो भी हो ठीक है। मतलब देखो मुँह फ्रैक बात ये कि अच्छा है सब कुछ, तो ये पूरा तो करेक्ट सीक्वेंस शायद मैं नहीं जमा पाया हूँगा ज़्यादा मुझे लगता है, ठीक है। पर जो भी है, मतलब ये पूरी 25 हो गई हैं, तो ये है पूरी 25 मनोज गुप्ता जी वाली, जिसमें मैंने अपनी 5वीं मतलब शामिल कर दी, उन भाई ने 20 भिजवाई थी, और ये रही पूरी 20 संजय गुप्ता जी वाली, 5 इसमें नहीं है, क्योंकि जब मैंने 10 बॉक्स ऑर्डर किया था तो उसमें से 20 ही कॉमिक्स आई थी। वो एक मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, मार्केटिंग स्ट्रेटजी बड़ी अजीब लगी, पूरी 25 होनी चाहिए, और उसका डिस्प्ले भी बड़ा अजीब था, मतलब 4-4 के 5 सेट दिखा रखे थे। तो इसी तरह से अनबॉक्सिंग एंजॉय करता हूँ, आई होप कि आपने इस अनबॉक्सिंग एंजॉय किया होगा, मुझे तो बड़ा मज़ा आया कंपेयर करने में। मिलते हैं किसी और वीडियो में।